नवीन भाई आवाज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं नवीन भाई और पनवेल की ताजा तरीन खबरें। नवी मुंबई शहर में पानी की समस्या को ध्यान में रखते हुए नवी मुंबई महानगर पालिका ने शहर में 10% पानी की कटौती कर दी थी। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए नवी मुंबई बीजेपी उपाध्यक्ष नितिन गंधारी ने पालिका में निवेदन पत्र व्यवहार किया था। उसी समस्या को मद्देनजर रखते हुए पालिका आयुक्त अन्ना साहेब मिशाल ने 10% पानी की कटौती को हटा दिया है और नवी मुंबई आवाज़ साथ बात करते हुए बताया है कि लगातार मूसलाधार बारिश होने से नवी मुंबई के मोरबे डैम का पानी का लेवल लगभग पूर्ण हो चुका है और आने वाले 4 से 5 दिनों में मोरबे डैम फुल हो जाएगा। नागरिकों को आह्वान करते हुए कहा कि पानी का दुरुपयोग ना करें। नहीं, अभी जो बारिश लास्ट वीक में हुई है वो हिसाब से वाटर लेवल मतलब 90% तक भरा हुआ है, तो ये देखते हुए कि आगे और 1 महीना कम से कम बारिश होने का अंदाजा है, तो डेफिनेटली मुझे आशा है कि ये पूरी क्षमता से भर जाएगा, तो इसलिए मैंने जो 10% कट लगाया था वो निकाल दिया है, क्योंकि कुछ एरिया में वाटर प्रेशर का इशू था तो वो कर दिया है। और लोगों को इतना ही मुझे आह्वान करना है कि पानी तो है अपने पास, पानी की कोई वैसे चिंता की बात नहीं है, तो उसका प्लानिंग भी हम ठीक ठाक से कर रहे हैं। जो लोग यूज़ करते वो सावधानी से अच्छी तरीके से यूज किया, वेस्टेज नहीं करना चाहिए, इतना ही मैं बोल सकता हूँ। नवी मुंबई में 10% पानी की कटौती को हटाने को लेकर नवी मुंबई बीजेपी उपाध्यक्ष नितिन कंधारी व नागरिकों ने आयुक्त का आभार प्रकट किया है। पहले तो हमारे नवी मुंबई महानगर पालिका के नवे आयुक्त श्री एबी मिसाल साहब को अपना नए पद संभालने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने 3 जुलाई 2019 को हमारे माननीय आयुक्त माजी आयुक्त रामास्वामी साहब को निवेदन दिया था कि नवी मुंबई कर के लिए मोरबे धरन है और उस पे पहला अधिकार नवी मुंबई कर वालों का है और बारिश भी अच्छी हुई है, आप कोई और पालिका को अगर पानी देना भी चाहते हैं तो आप दीजिए, लेकिन उतना देखिए कि नवी मुंबई कर को 24 घंटा पानी मिलना चाहिए। आज मुझे पता चला कि हमारे नवे आयुक्त ने पानी कट वापस ले लिया है, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जनता के हित में फैसला लिया है, पहला बड़ा फैसला लिया है, और उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो भी फैसला करते हैं नवी मुंबई की जनता की हद में हित में आपको फैसला लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पहला हक जो है नवी मुंबई की जनता का है, ये आपको पता होना चाहिए। यही दरख्वास्त उनसे है और आने वाले सही टाइम पे वो अच्छे निर्णय लेंगे जनता के हित में, इसका मुझे पूरा विश्वास है। शुक्रिया। आमचे सर्वसेल चे सहसंयोजक नितिन जी गंधारी जे आमचे नवी मुंबई चे जिल्हा उपाध्यक्ष आहेत, त्यांच्या नेतृत्वाखाली आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाने आम्ही महापालिका आयुक्त माजी महापालिका आयुक्त रामास्वामी साहेब यांना एक पत्र लिहिलं होतं की जी 10% जी तुम्ही पाणी कपात केलेली आहे, दर मंगळवारी 10% पाणी कपात होती, ती रद्द करण्यात यावी जेणेकरून नवी मुंबईकरांना कुठल्याही प्रकारच्या पाण्याची समस्या उद्भवू नये, कारण मोरबे धरणामध्ये पाणीसाठा मुबलक प्रमाणात शिल्लक असतो, तरी यावर्षी पाणी कपात केली, त्याच्यामुळे आम्ही नितीनजी कंधारी साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आयुक्तांना एक लेटर लिहिलं होतं, त्याची दखल घेऊन नवनियुक्त आयुक्त जे आलेले आहेत त्यांनी याची दखल घेतली आहे आणि नवी मुंबईकरांची पाणी समस्येतून मुक्तता केलेली आहे, त्यांचे आभार मानतो आम्ही। आणि या नितीन कंधारी साहेबांचा जो लढा त्यांनी दिला होता पाणी कपातीचा पत्रव्यवहार करून, आणि आम्ही त्यांनाही सुचवलं होतं की जर ही कपात रद्द केली नाही तर आम्ही उग्र स्वरूपात असं आंदोलन करण्यात येईल, पण तशी वेळ ती येऊ दिली नाही आणि नितीन कंधारीजींच्या यशाला पत्रव्यवहारा यश मिळालं आणि नवी मुंबईकरांना या समस्येतून सोडवलं, त्याबद्दल आयुक्तांचे आभार आणि आमचे नितीन कंधारी साहेब यांचेही सर्व नवी मुंबईकरांच्या वतीने आभार। ब्यूरो जर्नलिस्ट साई पवार साथ पंकज बेनवंशी की रिपोर्ट। नवी मुंबई आवाज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं नवी मुंबई और पनवेल की ताजातरीन खबरें।